हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अरसलान। मैं आप सबको लानविद अरसलान में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लैपटॉप स्कीम 2023 में किस तरह लैपटॉप हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से तालिब इल्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और ये देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज 3 विल बी लॉन्च्ड सून। ये एक या दो हफ्ते में ये प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। और ये देखें, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ये कुल 109 यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा और फाटा और इस्लामाबाद के तालिब इल्म भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप सबको बताता चलूंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस प्रोग्राम के एलिजिबल हैं। सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज ही इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और प्राइवेट सेक्टर इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये देखें, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल्स हैं। और मैं आप सबको बताता चलूं कि पीएम प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2023 में सिर्फ 1 लाख लैपटॉप ही तकसीम किए जाएंगे, यानी कि 1 लाख बच्चों को ही ये लैपटॉप्स मिलेंगे। इस प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2023 में सिर्फ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद FAQs में आ जाते हैं। और ये देखें, ये कुछ सवालात है। IMS स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज प्लीज टेल मी हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम। इसके बाद आप इसे खुद रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप पीएम नेशनल लैपटॉप स्कीम यहां से चेक कर सकते हैं, पीएम लैपटॉप स्कीम फेज 4 और 5 यहां से चेक कर सकते हैं, यहां से कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहां से चेक कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबल यूनिवर्सिटीज यहाँ से चेक कर सकते हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ से चेक कर सकते हैं, हम इसे यहाँ से चेक करेंगे। ये लैपटॉप स्कीम 2012 और 2015 की है। यहाँ में प्रोग्राम है PhD, MS, MPhil, MBA, मास्टर एजुकेशन, इसके बाद बैचलर्स, इसके बाद डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, इसके बाद BA, BF, SC ओनली फॉर फाटा एंड ICT regions, FA, FSC ओनली फॉर फाटा एंड ICT regions। मैं आपको बताता चलूं कि आप इस लैपटॉप स्कीम में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटीज में जो यूनिवर्सिटीज एलिजिबल हैं, यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें ये प्रोग्राम एलिजिबल है, इसलिए आप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वहां से पूछें कि हम इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, या तो वो आपको इसके मुतल्लिक फॉर्म देंगे कि आप इसे पूर करें और इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जमा करें। और HEC एक मेरिट लिस्ट शो करेगी और जो तालिब इल्म उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा उसे लैपटॉप दिया जाएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरह इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फीडबैक के तौर पर कमेंट करें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। खुदा हाफिज़।